दोस्तों बड़े दुख के साथ आज आप लोगों से मिलना पड़ रहा है। दोस्तों दुख की बात यह है कि अरुण जेटली नहीं रहे, इनका निधन हो गया। दोस्तों आज दिनांक 24 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में दोस्तों इनका निधन हो गया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। दोस्तों ये भारत के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय न्याय मंत्री के साथ कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। दोस्तों इनका जन्म 28 दिसंबर 1952 नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों इनकी पढ़ाई लिखाई BCom LLB। और दोस्तों ये बहुत बुरी खबर है, कि अरुण जेटली नहीं रहे। दोस्तों 2014 में मोदी सरकार में वे वित्त मंत्री रहे, इनका निधन हो गया। दोस्तों ये बहुत बुरी खबर है। दोस्तों इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दोस्तों इनके कुछ और छोटे मोटे ऑपरेशन हो चुके। दोस्तों ये बहुत दुखद घटना है, बड़ी दुख की घड़ी है कि अरुण जेटली नहीं रहे। और दोस्तों इस दुख की घड़ी में है, उनका परिवार अकेले नहीं है। दोस्तों पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है और तमाम दिग्गज नेता इनके साथ हैं, जो इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए, इनके परिवार वालों के साथ है। दोस्तों एम्स हॉस्पिटल में दोस्तों अरुण जेटली का देहांत हो गया, अरुण जेटली का निधन हो गया। दोस्तों ये 9 से 10 दिनों से लगातार इनकी हालत बहुत ही बुरी चल रही थी, बहुत ही ख़राब चल रही थी, लगातार इनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों आज दिनांक 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली नहीं रहे। दोस्तों ये हम आपके लिए, हमारे आपके लिए, इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए बड़ी दुखद घटना है। दोस्तों बहुत दुख की घड़ी है। दोस्तों ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। दोस्तों तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज नेता दोस्तों इनसे मिलने के लिए गए। दोस्तों इस शख्स ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों ये बड़ी दुखद घटना है हम सबके लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों ये दिग्गज नेता, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली दोस्तों नहीं रहे। दोस्तों इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है। और दोस्तों भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।